एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये 14 तारीख के दिन के समय की घटना है और उसी दिन मेरा ट्रांसफ़र भी यहाँ पर हुआ था। ज्वाइन करने के पश्चात सबसे बड़ा चैलेंज यही था, सबसे पहला चैलेंज यही था। हम लोगों ने इसमें ज्वाइन करने के पश्चात एक टीम का गठन किया, सदर SDPO विनोद कुमार के नेतृत्व में पूरी टीम थी, जिसमें टाउन इंस्पेक्टर शंभू भगत, नवादा इंस्पेक्टर थे और हमारी पूरी DIU की टीम थी। हम लोग वैज्ञानिक साक्ष्यों और टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर अनुसंधान प्रारंभ किया घटना का, और अनुसंधान करने के पश्चात घटनास्थल पर प्राप्त CCTV फुटेज को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया। CCTV फुटेज के आधार पर और विगत माह पूर्व कुछ घटनाएं शहर में हुई थी, जिन घटनाओं का भी हम लोगों ने अवलोकन किया और उन घटनाओं में जो संलिप्त अपराधकर्मी थे उनके थ्रू भी खुफिया तंत्र का इस्तेमाल किया। तो हम लोगों को जानकारी मिली कि कुछ लोग हैं जो इस घटना को अंजाम दे सकते हैं, कुछ लोग हैं जो फिलहाल जेल में व्याप्त हैं, जेल में बंद हैं, लेकिन उनकी योजना है, कार्य योजना है कि राजू चौधरी से उनका कुछ विवाद चला आ रहा था। हम लोगों ने वो मोबाइल नंबर प्राप्त किए, जिसके आधार पर ये शक और गहराया गया जब वो मोबाइल नंबर उस घटनास्थल पर भी एक्टिव थे। तत्पश्चात टीम उन लोगों का लगातार पीछा कर रही थी। कल हम लोगों को सफलता मिली, सफलता के क्रम में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया कल घटनास्थल से, जिसमें एक अभियुक्त ने पूरी घटना का खुलासा किया। उसने बताया कि ये घटना जो पूर्व में एक अभियुक्त जो जेल गए हुए हैं उनके द्वारा राजू चौधरी को मारने के लिए इन अभियुक्तों को 50,000 रुपये देने की पेशकश की गई थी। ऐसा हम लोगों को उसने पूछताछ में भी बताया कि चूंकि राजू चौधरी ने शायद उस अभियुक्त को जो मृतक है इस केस के, उन्होंने उस अभियुक्त को पकड़वाने में पुलिस की सहायता की थी, इसी या ये उस अभियुक्त जो जेल में बंद है उसका शक था, इसी आधार पर वो राजू चौधरी को मरवाना चाहता था और उसने जो जेल से बाहर 3 लोग थे उनसे संपर्क किया, उनको पैसे दिए, उनको मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई और पैसे और मोटरसाइकिल उपलब्ध कराने के पश्चात दिनांक 14 को 3 लोगों ने मिलकर ये घटना करी, जिसमें चौथा आदमी पवन कुमार नाम का व्यक्ति था जिसने मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई और षड्यंत्र में हिस्सा लिया। वो मर्डर इस हत्या के केस का खुलासा हुआ है। इसमें टोटल 4 अभियुक्तों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है, जिसमें से एक ने लाइनर और षड्यंत्र की भूमिका निभाई, बाकी 3 लोग घटनास्थल पर अपनी मोटरसाइकिल से गए थे और राजू चौधरी को गोली मारकर इन लोगों ने हत्या की। जिस पिस्टल से हत्या की है वो पिस्टल बरामद हुई है। इन लोगों को जब हम लोगों ने वहाँ छापेमारी की कल शाम में, तो टोटल 4 लोग गिरफ्तार हुए। जिन लोगों ने हत्या की है उसमें से 2 अभियुक्त अभी फरार हैं। इन लोगों के पास से कल हम लोगों को 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, मोटरसाइकिल और मोबाइल और कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजा जाए। सर, कहाँ से गिरफ्तार है? वो शराब के भी कारोबारी बताया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं अवैध शराब को लेकर भी हत्या हुई? हम लोगों को भी ये शक था पहले कि ये घटना हो सकता है अवैध शराब के व्यापार में, एक दूसरे से लेन देन के विवाद में हुई हो, लेकिन फिलहाल जो अनुसंधान जिस क्रम पर पहुंचा है उससे ये स्पष्ट हो गया है अब कि ये एक अपराधी मिथिलेश पासवान जो जेल में हैं उनके द्वारा षड्यंत्र कराकर, उनको ये शक है कि राजू चौधरी ने उनकी मुखबरी करके उनकी गिरफ्तारी कराई गई, तो उसी क्रम में उनके द्वारा घटना को अंजाम दिया। सर, इन 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई? टाउन से ही, नगर से। जगह है आपको प्रेस ब्रीफिंग दे देंगे। सर, क्या इसे सारे अभियुक्त पहले से अपराध? इन सब का आपराधिक इतिहास पाया गया है और आपराधिक इतिहास हम लोग खोज रहे हैं। फिलहाल इन सब का आपराधिक इतिहास हत्या और दूसरे केसेस में पाया गया।